ये है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बनाया गया स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में मालगाड़ियों का संचालन सुगमता पूर्वक हो, इसी को ध्यान में रखते हुए इस आधुनिक कंट्रोल सेंटर का निर्माण किया गया है। ये कंट्रोल सेंटर विश्व के सबसे बड़े नियंत्रण केंद्रों में से एक है। ये केंद्र पश्चिम बंगाल के दानकुनी से पंजाब के लुधियाना के बीच बन रहे पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 1,856 किलोमीटर लंबे रेल मार्ग के लिए कमांड सेंटर के रूप में कार्य करेगा। यहां से रेल प्रणाली सहित ट्रेन संचालन और बिजली आपूर्ति प्रणाली को नियंत्रित करने के अलावा उसकी निगरानी भी की जाएगी। 13,030 वर्ग मीटर क्षेत्र में बना ये सेंटर 4.20 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया है। खास बात ये है कि ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर आधारित इस केंद्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल और वर्षा जल संचयन की पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रेनों के परिचालन पर नजर रखने के लिए यहाँ विशालकाय थिएटर बनाया गया है, जिसमें 90 मीटर लंबा वीडियो वॉल लगाया गया है। यहाँ से इस रूट पर चलने वाली प्रत्येक ट्रेन पर आसानी से नजर रखी जा सकती है। परिचालन में कोई बाधा उत्पन्न होने पर फौरन जरूरी कदम उठा उसे दूर किया जा सकता है। यही नहीं, यातायात नियंत्रकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराई गई है। इसके अलावा इस रूट पर 7 सेक्शन बोर्ड कंट्रोल भी होंगे, जो न्यू दानकुनी से न्यू गोमुह से न्यू सोननगर से न्यू डीडीयू से न्यू भाउपुर से न्यू खुर्जा, न्यू गोड़ाकी, न्यू खुर्जा से न्यू पिलखनी और न्यू पिलखनी से न्यू चावापेल के बीच रेल परिचालन पर नजर रखेंगे। ये ओसीसी बिल्डिंग है जहाँ सेंट्रलाइज कंट्रोल किया जाता है। गाड़ियों का परिचालन जो है यहीं से लुधियाना से दानकुनी तक किया जाएगा। फिलहाल यह वरान से लेकर कर न्यू खुर्जा तक करीब 6 स्टेशन डीएफसी का 6 स्टेशन परिचालन में है, और साथ ही साथ करीब 4 स्टेशन और इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये न्यू भावपुर से न्यू खुर्जा तक हो जाएगा। अब तक का समूचे विश्व में सबसे आधुनिकतम कंट्रोल सेंटर मालगाड़ियों की रफ्तार को जहां कई गुना बढ़ाएगा, वहीं सेफ्टी के साथ लॉन्ग हॉल एवं हैवी हॉल ट्रेनों के जरिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एवं लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करके देश के उद्योगों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।